दिखाओ कितना बढ़िया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको घुमाने जा रही हूँ लखनऊ का भूतनाथ बाजार, जो कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग पूरा सज गया है, छा गया है और सब तरफ जो है त्योहार के हिसाब से पूरी मार्केट सजी हुई है। तो चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ ये शॉपिंग वीडियो। ये कितने का है भैया? बटुआ 160 का आएगा। और ये वाले? यह 320 का आएगा, बड़ा साइज है, मजबूती बहुत है इसमें। यह देखिए, ये तो वृंदावन में जो मैंने वो वीडियो बनाया। यह देखिए, वीडियो बना रही हूँ। हाँ बना रही हूँ। ये कितने का दोगे फाइनल? फाइनली 250 का पड़ेगा, इसमें दूसरा भी कलर आएगा। और पोटली ये कितने ये वाली? बटुआ कितने का? बटुआ 160 का आएगा फाइनल। और भूतनाथ बाजार में जैसे ही आप मंदिर के राइट साइड में जाएंगे तो उधर साइड पे पूरा जो मार्केट है वहाँ पे बाहर बहुत सारी इस तरह की ज्वेलरीज लगाए हुए रहेंगे लोग। और ये ज्वेलरीज देखिए सिर्फ 100 रुपये में एक पेयर है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं और ऐसा लगता है कि सब ले लो। तो मेरे साथ में हम दोनों प्लान करके गए थे, प्रतिभा जो कि इंडियन यूट्यूबर प्रतिभा के नाम से जिनका चैनल है, उन्होंने और मैंने प्लान किया था। जाना तो हमको और जल्दी था लेकिन टाइम की वजह से हम नहीं जा पाए, दोनों ही ज़्यादा बिजी थे। और उसने तो एक ईयरिंग शॉपिंग भी की है, आप चाहें तो उसका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, ये मोर वाला डिज़ाइन, ये सारे सिर्फ 100 रुपये का पेयर। पहनो और उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगे तो हटा दो, दूसरा ले लो। तो सारे पेयर्स ही बहुत सुंदर हैं और इस तरह के अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। इनमें थोड़ा सा क्वालिटी तो डिफरेंस है ही, लेकिन ये पहनने के लिए डेली वेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। और फेस्टिवल में आप रोज़ बदलो रोज़ पहनो। और ये देखिए ये वाली शॉप कितनी सुंदर सुंदर, यहाँ पर रंग बिरंगे तोरण, रंग बिरंगे लटकन्स, बहुत ही सुंदर सुंदर थे। और इसके यहाँ रेट्स भी बहुत रीज़नेबल थे। जो यहाँ पे जो लेडी है राजस्थानी, वो मतलब 2-3 इस तरह के लगाते हैं वो लोग, हर साल ही लगाते हैं, मैं देखती हूँ। तो आप यहाँ पे अगर जाते हैं तो उनसे बार्गेन जरूर करिए। 250 का तोरण बोला था और फाइनली उसने 200 में दिया था, और कम हो सकता था लेकिन क्योंकि दो लोग थे और फिर मैंने ले लिया था, एक लिया है मैंने पापा मम्मी के घर के लिए। और मैं दिखाऊंगी बाद में अपना शॉपिंग, क्या क्या मैंने शॉपिंग की है। अभी फ़िलहाल आप मार्केट इंजॉय करिए, देखिए कितना सुंदर सुंदर सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इन रंग बिरंगे तोरण और लटकन्स को देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में फेस्टिवल टाइम आ गया है। आप अंदर से कितने भी उदास हों लेकिन अगर आप बाज़ार जाते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फेस्टिव वाइब्स, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। तो मार्केट एक बार चक्कर लगा के आइए। और ये देखिए इस तरह का, इसके पास जो राजस्थानी वाली थी इनके पास नेकलेसेस भी थे, नेकलेसेस वो ईयरिंग्स तो 100 में और नेकलेसेस वो 150 मतलब 200 बोल रही थी लेकिन 150। और ये रिंग वाला जो ऊपर दिखाया है कांच वाला, वो आजकल बहुत ट्रेंड में है इस तरह के नेकलेसेस। और ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ही सस्ता है और अच्छा है, आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये 3-4 दुकानें हैं जो सुंदर बेकरी के सामने के साइड में वो लगाते हैं, जहाँ पे अग्रवाल ज्वेलर्स हैं। और उस समय अगर आप भूतनाथ आते हैं तो ये सारी जगहों पे ज़रूर विज़िट करेंगे और बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे। और क्योंकि करवा चौथ के एक दिन पहले गए थे तो पूरे बाज़ार में तो करवा ही छाया था। तो करवा जो कि मतलब करवा चौथ में ज़रूरी होता है, हम लोग के यहाँ हमारे मेरे पास तांबे का है क्योंकि मम्मी हमारे यहाँ तांबे का चलता है, लेकिन मैं शौकिया एक ज़रूर लेती हूँ मिट्टी का, मुझे बहुत शौक है। और प्रतिभा को भी लेना था तो उसने भी एक लिया और बस इस तरीके से बाज़ार देखा, घूमा और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की। और हम दोनों ने खूब सारी गॉसिप भी की क्योंकि अगर दो लोग मिलते हैं तो फ्रेंड्स तो गॉसिप तो होती है, तो गॉसिप के बिना कुछ नहीं होता। और ये मार्केट देखिए पूरा छाया हुआ है हर तरफ ये, और लाइन लगी हुई थी मेहंदी वालों की क्योंकि मेहंदी में। और ये जो एरिया है ये सेंट डोमिनिक वाली रोड है जहाँ पे सब्जी मंडी है। और यहाँ पे हमने एक नई दुकान मतलब बहुत अच्छी न्यू शॉप एक
एक्सप्लोर की जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे जहाँ पे सामान अवेलेबल था। नेक्स्ट दिवाली शॉपिंग में मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए रंगोली भी आ गई है मार्केट में सब तरफ, अब तो मतलब करवा चौथ निकल गई तो अब तो दिवाली की सारी शॉपिंग शुरू हो जाएगी लोगों की। अभी करवा 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 और उसके बाद आ जाएगा दिवाली शॉपिंग, खूब सारे मतलब रंग बिरंगी चीज़ें और भी आ जाएंगी। और ये देखिए चलनी और करवा, और इस तरीके से हमने एक दो चीज़ें शॉपिंग की भी थी। और यहाँ पे पूरा जो मतलब, और ये गट्टा और लैया ये सब भी मिलता है क्योंकि करवा में ये भी चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो इस रोड पे ही ये जो बाएं साइड में आप देख रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड, दाहिनी साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही जो है आपकी वो वाली शॉप है। बाहर ही मतलब आपको बहुत सारे फ्लावर्स और वो सब लगे हुए मिल जाएंगे। ये तो पूरी करवा की शॉप थी, यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। सीके ली थी 5 रुपये की और करवा लिया था 30-30 रुपये का। और ये देखिए सामने जो तो खूब सारे फ्लावर्स लगे हैं ना, उसी गली में आगे शॉप है, नाम भी आ रहा है उस पर। तो वो जो शॉप है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, इनके यहाँ हर चीज़ होलसेल रेट पे है। और पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सजाने का सामान है, सामने फ्रेम की शॉप है और साथ में उनके पास पूरा घर की चीज़ें और भी हैं, जैसे किचन की चीज़ें हैं, किचन टॉवल और पेपर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी बर्थडे में जो यूज़, पार्टी में जो यूज़ करते हैं चीज़ें वो सारी। तो यहाँ पे मतलब आगे वाली दुकान नहीं, उसके पीछे वाली शॉप है और वो पूरा रीज़नेबल बहुत ही अच्छे रेट पे आपको सामान मिलेगा। तो भूतनाथ में अगर आपको मतलब चाहिए कटलरी चाहिए जो, और जो यूज़ एंड थ्रो वाले पेपर प्लेट्स या इस तरह के कप्स ये सब चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, साथ में पूजा का सामान, सजाने का सामान ये सब ले सकते हैं। और ये मार्केट और जो कॉर्नर में कॉम्प्लेक्स है उसमें है 2-3 पार्लर्स और नीचे बेसमेंट में है चूड़ियों की दुकान। तो हम लोग पहुँच गए चूड़ियों की शॉप पे क्योंकि चूड़ी मेला तो बनता है। करवा चौथ के एक दिन पहले गए थे तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चूड़ी ले लेते हैं। और बैंगल्स मुझे रेड कलर की पसंद आई, वेलवेट की थी, अच्छी लगी। 60 रुपीज़ मतलब बोल रहा था 60 रुपीज़ दर्जन। पहले तो प्रतिभा को भी लेनी थी लेकिन उसके लिए थी नहीं पूरी, तो मैंने ले ली 1.5 दर्जन क्योंकि मुझे भर भर के नहीं चाहिए होती है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सिंदूर आने हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो इस शॉप में भी हमने एक दो चीज़ें ली थी और बहुत ही सुंदर ये जूड़े का पूरा कवर था फ्लावर्स वाला, 300 बोल रहे थे लेकिन बार्गेन करने पे ये कम हो जाता, हमको लेना नहीं था इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस आ गई हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो, लेकिन हाँ मैंने ये जूड़ा नहीं लिया लेकिन बहुत ही सुंदर है जूड़ा। और ट्रेडिशनल साड़ी पहनो आप कोई भी सिल्क की, पैटनी या फिर साउथ की, तो वो बहुत सुंदर लगता है। और ये गजरा मैंने इस तरह का एक लिया था रेड रोजेज वाला, और साथ में इस तरह से रोजेज भी हैं जो कि आप अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ये वाले रोजेज आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये तो हमेशा एवरग्रीन ही रहता है, तो ये भी लिया हमने। और बाहर निकले तो इस तरह से यहाँ पे शॉप है, मतलब बेसमेंट पे जो है चूड़ी है, ऊपर पार्लर्स हैं 2-3, साथ में यहाँ पे चूड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान है, बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है, कॉर्नर पे डॉक्टर बैठते हैं। और पार्लर है तो सबको ही पता है कि यहाँ तो लेडीज़ आएंगी ही आएंगी। और बाहर पूरा देखिए मेहंदी ही छाई हुई है, सब तरफ मेहंदी मेहंदी, लोग मेहंदी लगवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो बस मार्केट से बाहर आ गए हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद मतलब फिर से ऐसा लग रहा था कि और जल्दी आना चाहिए था, हम लोग बहुत लेट आए हैं। तो बस ये मार्केट में पूरा सजा हुआ है। आई होप कि आप हमारा ये शॉपिंग वीडियो इन्जॉय करेंगे, मार्केट इन्जॉय करेंगे। तो बस मैं ये सब एक शूट कर रही थी और प्रतिभा ने मुझे भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया मतलब। और मेहंदी का हम लोग देख रहे थे कितनी भीड़ लगी हुई है, रेट्स भी बहुत हाई रहते हैं अभी तो इस टाइम पे, फेस्टिवल टाइम में आप कुछ भी लेंगे तो एकदम ऐन मौके पे तो हर चीज़ महंगी मिलती है। इसलिए अगर शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सा पहले जाइए और आराम से शॉपिंग करिए, आफ्टरनून में जाइए या 3 बजे के करीब जाइए। हम तो जल्दी जल्दी करके 3 बजे के करीब गए थे तो भी हमको बहुत भीड़ मिली थी। तो बस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रतिभा के चैनल को विजिट करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चेक करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी फेस्टिवल्स, बाय बाय, टेक केयर।